कडरमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार के साथ 9 लोगों को किया गिरफ्तार। चंदवारा थाना अंतर्गत बेंदी पंचायत के भिथिया में पुल निर्माण करा रहे ठेकेदार से 2 सप्ताह पूर्व उग्रवादी संगठन बताकर 30-35 हथियार बंद आरोपियों ने ठेकेदार के मुंशी, ऑपरेटर और गार्ड के साथ मारपीट कर लेवी की मांग की थी। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारीव द्वारा डीएसपी संजीव सिंह व चंदवारा थाना प्रभारी सोनी प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना के उद्भेदन में जुट गए। हालांकि 15 दिनों के भीतर सफलता हासिल कर 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के पास से 10 मोबाइल, 3 राइफल, 1 देशी पिस्तौल व 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा, पूरी जांच पड़ताल के क्रम से यह पता चला कि गिरफ्तार अभियुक्तों की किसी उग्रवादी संगठन से लिंक नहीं है, परंतु एक टीम बनाकर उग्रवादियों के नाम पर लेवी वसूली करने की योजना बनाकर यह घटना को अंजाम दिया गया। विप्रो, मामला ऐसा था कि 6 तारीख को भीतिया में जो पुल का निर्माण चल रहा है, वहाँ सुबह थाना प्रभारी को सूचना मिला कि 20 से 25 लोग कुछ हथियार के साथ लोहरा पहाड़ी से नीचे उतरे थे और वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे उनके साथ लपड़ थप्पड़ किया गया और उनको बताया गया कि आप अपने ठेकेदार को बोलिए, हमसे बात करें और हम इसके लिए, उन्होंने वहाँ का जो मोबाइल था सबका मोबाइल ले लिया। इसी संबंध में हमने डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में, संजीव सिंह के नेतृत्व में, एक टीम का गठन किया गया जिसमें थाना प्रभारी और नए सब इंस्पेक्टर लोग भी शामिल थे और तकनीकी शाखा के लोग, जिसमें लगातार हमने गुप्त सूचना इकट्ठा किया, तकनीकी सूचना इकट्ठा की और जिसके बदौलत हमने एक छावामारी करके उस घटना में जो संबंधित 9 लोग थे सभी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 भरटवा बंदूक, 1 6 राउंड का देसी पिस्तौल, 4 जिंदा गोली और जिस मोबाइल से उनको थ्रेट कॉल भी आया था वो भी बरामद किया, जो मजदूर के पास से ही लूटा गया मोबाइल था, और अन्य 5 मोबाइल भी इनके पास से बरामद किया। ये पूरी घटना वहाँ के गार्ड के द्वारा ही, जो ठेकेदार के गार्ड है जो काम चल रहा है उसी के द्वारा ही प्लान सुनियोजित ढंग से प्लान किया गया और उग्रवादी के नाम पे ये एक्सटॉर्शन का एक प्लान बनाया गया।